ये है वक्त मीडिया। दोस्तों, इस प्यारी बच्ची का नाम है काव्या श्री जैन उर्फ परी। इस कवि सम्मेलन में इसने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया। दोस्तों, काव्या श्री जैन उर्फ परी का ये वीडियो आप लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए ताकि उसकी हौसला अफजाई हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद भाई के पी सिंह। बेटियों से शुरुआत की, आइए मैं एक छोटी सी बेटी को यहाँ पर लाना चाहता हूँ। कहीं काका देवेश ने लिखा कि ओस की एक बूंद सी होती है बेटियाँ, ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियाँ, स्पर्श होकर कष्ट तो रोती हैं बेटियाँ, और रोशन करेगा बेटा बस एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज होती हैं बेटियाँ। एक बार जोरदार ताली हमारे बीच। बहुत छोटी सी बेटी हमारी बैठी हुई है काव्य श्री जैन, मैं चाहता हूँ उसका काव्य पाठ आप सुने, इससे पूरे सदन उसको आशीर्वाद दे ताकि वो आगे चलकर इसमें ख्याति प्राप्त करे। काव्य श्री जैन को आप मैं सभी को साधु नमन करती हूँ और सदन के लिए मैं चार पंक्तियाँ सुनाना चाहूंगी, सुनेगा। मांची को भी नमन, आपको भी नमन, खींच लाई हमें इस शहर की पवन, हर जगह हर जगह खिल खिलाते सुमन देखी, जोश में लग रहा आज सारा सदन। बहुत सुंदर, बाप 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 बाप, जोरदार तालियां बिटिया के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा आज सारा। बाप 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 बाप, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और पढ़ो बेटा, और पढ़ो। बहुत ही अच्छे सुन रहे हैं। मैं चार पंक्तियां और सुनाना चाहूंगी। स्वागत है। मुहब्बत मेरेगी तो मैं स्वरों का साज करती हूँ, काव्य नाम है मेरा दिलों पर राज। मैं चार पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। स्वागत सुनेगा। मैं जब भी मुस्कुराती हूँ वो झट से खिलखिलाती है, मैं जब भी गुनगुनाती हूँ वो खुल कर गीत गाती है। कभी मैं उस किलोरी में, कभी वो मेरी बोली में, मैं धूपक आगे बढ़ती हूँ वो झट से भाग। हाय हाय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बा 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 बा। मैं एक हाथ से कविता सुनाना चाहूंगी, सुनेगा। मियाँ बीवी क्या रख पड़े, इतना लड़े कि आस पास सार पड़े, हम उनको छुड़ाने के लिए बीच में घुसे, छोड़ कर गए अब
बढ़िया। मैं एक गजल सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल सुनेगा। यू तन्हाई में भी मुस्काना इश्क है, यू तन्हाई में भी मुस्काना इश्क है, यू तन्हाई में भी मुस्काना इश्क है। दिल की बातें दिल को बताना इश्क है। सजा दिया जिसे आ चलने सारा बचपन, सजा दिया जिसे आ चलने सारा बचपन। माँ के पैरों में झुक जाना इश्क है। बहुत सुंदर। माँ के पैरों में झुक जाना इश्क है। हाँ बढ़िया बढ़िया, ताली बजती रहनी चाहिए साहब, तालियां बच्चे के लिए बजो। पार कराना इश्क है, चावल दालों ने जिन जिन को जख्म दिए, चावल दालों ने जिन जिन बहुत अच्छा, उनके घावों को सहलाना इश्क है। उनके घावों को सहलाना इश्क है। धन्यवाद। बहुत जोरदार तालियां इस बच्चे के नाम होनी चाहिए आपकी, एक बार आशीर्वाद के रूप में तो तालियां दें। बहुत सुंदर काव्य पाठ पहली बार उसने मंच पे किया, और सबसे बड़ी बात तो यह उसकी जो पीच थी आवाज की, वो आवाज बहुत ऊंचे लेवल पर लेकर गई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद बिटिया के लिए। आइए सीधे सीधे आमंत्रित करता हूँ। आइए अब आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं डॉक्टर केपी सिंह विकल वेराइची से, इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पता है youtube.com/vaktmedia। आइए ले चलते हैं विकल वेराइची डॉक्टर केपी सिंह के पास, उनकी सुन लेते हैं, फिर इजाजत चाहते हैं आपसे। गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय में ये 102वां किसान मेला है, और इसमें एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे दूर दराज से बहुत सारे मित्र हमारे आए, और इसका उद्देश्य है यहाँ पर साहित्य यानी हिंदी साहित्य को जागृत करना और लोगों में रुचि पैदा करना। और मैं अपने बारे में एक जो है दोहा बोलता हूँ कि ना ही मैं रसखान हूँ ना ही संत कबीर, ना ही मैं रसखान हूँ ना ही संत कबीर, मैं हूँ कब एक बावला लिखता ही एक पीर। मैं हूँ कब एक बावला लिखता ही एक पीर। और हमारे मित्र ओम शंकर मिश्रा जी, मोहन मुंजी साहब, आदरण सुंदरजाल साहब, तकी साहब, हमारे सुंदर जैन साहब और मेरी छोटी सी बिटिया, मैं इसके सहयोग से इस कार्यक्रम को ऊंचाई तक ले गया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। बस ठीक है।